आप सभी को टीम आईएएस की तरफ से नमस्कार। कल देर शाम यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम का जो प्रीलिम्स हुआ था लास्ट मंथ, उसका जो रिजल्ट है उसको जारी किया गया है। आप देख सकते हैं कि 1 जुलाई 2024 को जो है रिजल्ट इसको जारी किया गया है। कुल जो रिजल्ट जारी किए गए हैं लगभग 14,627 रिजल्ट को जारी किया गया है, और यह जो आंकड़ा है इसीलिए बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाता है, क्योंकि लगभग 6 लाख स्टूडेंट हैव टेकन दी सीएससी एग्जाम ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स दिस ईयर, और 6 लाख स्टूडेंट जो है उसमें से अबाउट 14,600 और स्टूडेंट्स हैव क्लियर दी प्रीलिम्स एग्जाम। तो क्लियरली आप कह सकते हैं कि टोटल सीट्स जो इस साल का है दैट इज 1,152 सीट्स। हालांकि ये सीट्स ऐसे हैं जो कि वेरिएशन इसमें होता है, थोड़ा यह प्लस हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ आप कहेंगे 1,152 सीट्स आर देयर, और इसके लिए जो है लगभग 14,627 रिजल्ट्स हैव कम आउट। नाउ यह जो है एक बिग अपॉर्चुनिटी है स्पेशली फॉर दोज हु हैव क्लियर्ड द प्रीलिम्स एग्जाम, क्योंकि मेंस एग्जाम जो है इसके बारे में एग्जाम कैलेंडर बोलता है कि सितंबर 20 से शुरू होनी है। नाउ दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेज ऑफ द एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि मेंस में अल्टीमेटली आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, आपकी जो पर्सनालिटी है, इन सभी चीजों का टेस्ट होना है। एक बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट यह है कि जो एग्जाम का रिजल्ट आया है, और जो यह रिजल्ट आया है इसमें कहा गया है कि 16 जून को एग्जाम हुआ था, और जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर द मेंस एग्जाम इसके बारे में जो कमीशन है वह अपडेट करेगा कि कब इसको भरना है। आप देखिए ये सारे रिजल्ट है जो कि ये जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ है 2024 का, ये सारे रिजल्ट्स आप देख सकते हैं गिवन बाय यूपीएससी। दिस इज इन द पीडीएफ फॉर्मेट। सारे रिजल्ट आप देख रहे हैं जो इस बार का यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था उसके रिजल्ट्स ये आपको दिख रहा है इन द पीडीएफ फॉर्मेट। दिस इज द रिजल्ट। नाउ एक बात हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि कट ऑफ क्या हुआ होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यूपीएससी जो है जो एग्जाम का कट ऑफ होता है प्रीलिम्स का, फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही वह डिक्लेयर करता है कि क्या जो एग्जाम था प्रीलिम्स का उसका रहा होगा कट ऑफ। ऐसा लग रहा है कि जो कट ऑफ रहा है फॉर यूआर कैटेगरी दैट इज जनरल कैटेगरी दैट इज क्लोज टू 90 मार्क्स, तो 90 मार्क्स ऐसा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि सिलेक्शन हुआ है, उनके अगर 90 मार्क्स आए हैं तो उनका क्लियर हुआ। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि जो ओबीसी कैटेगरी के हैं उनके बारे में लगभग 87 से 88 मार्क्स कहा जा रहा है कि जिनका भी आया है उनका क्लियर हुआ है। आई रिपीट अगेन, जिनका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी हाई मार्क्स इन द सेंस क्वेश्चन हालांकि मॉडरेट टू टफ थे, लेकिन फिर भी इतने मार्क्स लाना इजी नहीं होता है। एज आई सेड एट द ओपनिंग पार्ट ऑफ माय वीडियो कि सितंबर 20 से मेंस एग्जाम की शुरुआत होने वाली है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो पहली बार यूपीएससी का मेंस देने वाले हैं, और जो पहली बार मेंस देते हैं यूपीएससी का उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि वह कंटेंट के पीछे भागते हैं, कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका कि कंटेंट एडिक्वेट नहीं होता है, और कंटेंट के पीछे वो भागते हैं जिस कारण से उनकी आंसर राइटिंग जो है वह सफर कर जाती है। नाउ प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ आप कंटेंट के पीछे भागोगे और आंसर राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे तो मेंस के मार्क्स आपके सफर करने वाले हैं।
सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है, आप जानते हैं कि जब आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, इसका मतलब है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है दैट इज गुड इनफ। तो उस आधार पे जो है आप आंसर राइटिंग की शुरुआत जो है अगर आप अभी से शुरू कर रहे हैं तो इंटेंसिवली शुरू कर दें, और उसके बाद जो है कंटेंट की क्वालिटी जो होती है, इनरिचमेंट जो होती है, आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। सो आंसर राइटिंग शुड बी योर फॉरमोस्ट प्रायोरिटी, बिकॉज अल्टीमेटली जब वहां मेंस आप लिखने जाएंगे, आप जानते हैं कि बहुत सारे पेपर्स होते हैं जिसमें कि जीएस के 4 पेपर्स हैं, ऑप्शन का पेपर है, एसए का पेपर है, सो दैट इज नॉट इजी टू मैनेज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम। सो देयरफॉर आंसर राइटिंग जो है आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कि इस बार जो सीटों की संख्या 1152 है, और आप जानते हैं कि लगभग 14,627 और रिजल्ट है कम, तो क्लियरली जो रिजल्ट आना है वह लगभग जो इंटरव्यू कॉल आना है, लगभग आप लेके चलिए इट वुड बी समवेयर अराउंड 2300 से 2350 जो है इंटरव्यू कॉल्स आने हैं। क्लियरली जिनका भी इंटरव्यू कॉल आना है उनको कुछ अलग करना होगा, तभी उनकी इंटरव्यू कॉल आने वाली है। नाउ A word also for those who didn't clear the prelims exam. ध्यान रखें कि prelims exam जो होता है बहुत ही tricky affair होता है। आप अगर मान लीजिए GS 1 में कई सारे student हैं जिनका कि अच्छे marks आए होंगे, but one area where most students falter, CSAT. CSAT एक ऐसा area है जहां कि बहुत सारे student को समस्या हुई होगी और इस कारण से उनका prelims clear नहीं हुआ होगा। So, आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जीएस 1 में भी अच्छा परफॉर्मेंस अगर नहीं हुआ है तो आपको जरूरत है कि अपने परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कीजिए, और अभी जो है अभी से आप जो है प्रीलिम्स पर तो ध्यान दीजिए ही, लेकिन अभी मेंस पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप अगले साल मेंस लिखेंगे तो अभी से अगर आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी, आंसर राइटिंग होती रहेगी, तो अगले साल के लिए आप बेटर प्रिपेयर्ड होंगे। जहां तक प्रीलिम्स की बात है तो प्रीलिम्स में आपको उन सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है जहां की आपके नंबर नहीं उठे थे। से फॉर एग्जांपल कुछ कुछ ऐसे एरिया है, स्टैटिक एरिया, से फॉर एग्जांपल पॉलिटी से कहां पे दिक्कत हुई आप उसको चेक करिए, या जनरल साइंस कहां पे दिक्कत हुई आप उसको चेक करिए। तो ये सारे जो एरिया है वहां से आपको जो भी नोट्स में दिक्कत है उसको आप सॉल्व कीजिए, या मान लीजिए आपकी जो स्ट्रेटेजी है वहां पर दिक्कत है उसको सॉल्व कीजिए। नाउ इट इज वेरी सिग्निफिकेंट, यह बहुत जरूरी है कि आपको सेल्फ बिलीफ को बनाए रखना है। अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट एग्जाम है, आप जानते हैं कि जो एग्जाम होता है प्रीलिम्स का बहुत ही ट्रिकी अफेयर होता है, कई बार अच्छे स्टूडेंट भी बाहर होते हैं, तो आपको सेल्फ बिलीफ बनाए रखना है और कॉन्फिडेंस को भी बनाए रखना है। आप लेके चलिए कि अगली बार आपका चयन होगा। नाउ हियर व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज कि टीम आईएएस के द्वारा, हमारे टीम आईएएस के द्वारा यूपीएससी के लिए अलग से बैच चलने वाला है, और इसमें जो है July 8 से इंग्लिश की बैच शुरू होने वाली है, और उसके अलावा जो है July 22 से हिंदी मीडियम की बैच शुरू होने वाला है। नाउ वेयर वी कैन हेल्प यू टू स्कोर एक्सेलेंट मार्क्स इन द प्रीलिम्स एग्जाम, उसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर हम लोगों ने अपडेट किया था इमीडिएटली आफ्टर द प्रीलिम्स एग्जाम ऑफ यूपीएससी, से फॉर एग्जाम्पल की क्वालिटी से लगभग 18 क्वेश्चन आए थे एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग, और हमारी जो क्लास टीचिंग है जो प्रिंटेड नोट्स स्टूडेंट को दिया जाता है उससे लगभग 14 क्वेश्चंस डायरेक्टली आए थे। The debates being put aside, what matters is कि क्या आपका जो क्लास टीचिंग हो रही है, क्या आपके जो नोट्स है उनमें पावर है या नहीं, क्योंकि 100 बातों की एक बात यही है कि आपका प्रीलिम्स क्लियर होना चाहिए, और प्रीलिम्स तभी क्लियर होता है जब 18 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चंस को आप सही करते हो। आप देखिए कि अगर मान लीजिए जनरल यूआर का कट ऑफ अगर मान लीजिए गया है 90 मार्क्स गया है, यानी कि 45 क्वेश्चंस गया, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पॉलिटी के नोट्स से
अगर 14 क्वेश्चंस आपका सही हो रहा तो लगभग 1/3 क्वेश्चंस आपका इंडियन पॉलिटी से निकल रहा है। उसके अलावा हिस्ट्री से 5 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें कि 3 क्वेश्चंस जो है हमारे क्लास टीचिंग और जो प्रिंटेड नोट्स है वहां से आए। नाउ दीज आर टू एग्जांपल्स ऑफ शोइंग कि अगर आप हमारा जो यूपीएससी का फाउंडेशन जो बैच है, हमारा यूपीएससी का जो फाउंडेशन बैच है उससे अगर जुड़ते हैं तो हाउ यू कैन एंश्योर कि आपका जो अगले साल का, अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स देने वाले हैं 2025 का या 2026 का प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो आपका प्रीलिम्स बहुत ही कंसोलिडेटेड होगा, स्ट्रांग होगा और आंसर राइटिंग और मेंस तैयारी पर हमारा विशेष फोकस होता है। सो दैट विल ऑलवेज बी योर स्ट्रांग पॉइंट। एक चीज और आप देखिए कि जो क्वालिटी के बारे में 18 क्वेश्चंस में 14 क्वेश्चंस हमारे क्लास टीचिंग और नोट से आए हैं, दिस वाज स्पेसिफिकली फ्रॉम दी बीपीएससी फाउंडेशन बैच। जो बीपीएससी का फाउंडेशन बैच है वहां से इतने क्वेश्चंस निकल के आए हैं। हिस्ट्री के अगर मान लीजिए 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें से 3 क्वेश्चन अगर हमारे क्लास टीचिंग और नोट से आए हैं, सो दैट हैज बीन फ्रॉम द बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स। जो हमारा फ्रेश बैच शुरू हो रहा है यूपीएससी का फ्रॉम जुलाई 8 दैट इज इन इंग्लिश मीडियम और जुलाई 22 इन हिंदी मीडियम, यह स्पेसिफिकली यूपीएससी का बैच होगा। दिस विल बी डिवोटेड ओनली फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। हालांकि जब आप इसकी तैयारी करेंगे फ्रॉम अ वेरी हाई स्टैंडर्ड, तो स्टेट पीसीएस का अगर आप एग्जाम देते हैं तो वह इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ केक वॉक, इजीली आप उसको क्लियर कर पाएंगे। सो दैट इज द स्ट्रेटेजी फॉर स्पेशली फॉर दोज जिनका की प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है। आप सेल्फ बिलीफ तो बनाए रखें, कॉन्फिडेंस तो बनाए रखें एंड इट इज वेरी क्रूशियल कि आप रेगुलर स्टडी करते रहें। रेगुलर स्टडी आपकी होती रहनी चाहिए। अगर आप स्टडी को छोड़ देंगे एक दो महीने के लिए डिप्रेस्ड होकर, दैट विल नॉट हेल्प यू मच। सो देयरफॉर इट इज क्रूशियल कि आप जो है स्टडी को रेगुलर बनाए रखें और ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर करने में आपको हेल्प करे इजी तरीके से, सिंपलेस्ट तरीके से। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। कृपया हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के बीच में अवश्य शेयर करें। वी शैल मीट शॉर्टली। अंटिल देन, गुड बाय।